मतलब भाई सुलेखा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रेसिपी रहेगा वो है चीज़ केक इंडियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल इसलिए है कि ना ही हम इसको बेक करेंगे, ना ही इसमें हम एग यूज़ करेंगे। सिर्फ सिंपल कुछ प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे, साथ ही हमारा केक बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। ये मेरा मोल्ड है, देखिए मैंने इसमें से केक को निकाला, बिल्कुल साफ़ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि केक मेरा कितना अच्छा बना है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही सिंपल है, दूध है, बटर है और बिस्किट है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, उसको ध्यान से फॉलो करते हैं। पहले मैंने 1 लीटर दूध फुल क्रीम मिल्क लेंगे, क्योंकि चीज़ हमें बनाना है, उसको गर्म करने के लिए रखेंगे। और ये हमारा डाइजेस्टिव बिस्किट है। डाइजेस्टिव बिस्किट मैं 10 पीसेस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही थिन क्रस्ट बनाना है, नीचे का जो बेस मोटा नहीं बनाना है। जनरली हम मार्केट पे जाते हैं तो जो चीज़ केक का बेस आप देखिएगा थोड़ा मोटा मिलता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसमें अगर इस प्रोसीजर से आप बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट और बहुत थिन होगा नीचे का लेयर। अब इसको टुकड़े में करके मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ और बिल्कुल क्रश कर लूँगी, मतलब पाउडर बन जाएगा ये। मिक्सिंग बोल में मैंने डाला। अब मैं 30 ग्राम्स बटर को माइक्रो में मेल्ट करूंगी, आप गैस पे भी कर सकते हैं। बटर अगर थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही होता है। 30 ग्राम्स बटर को मेल्ट करके थोड़ा सा मिक्स करके हम ये क्रश्ड बिस्किट जो है इसमें मिक्स कर देंगे। और तब तक हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये पूरा बटर जो है बिस्किट के साथ सोक ना कर जाए। और थोड़ी देर जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे आप देखेंगे ये सोक कर लेगा पूरा। देखिए हो गया। अब इसकी जो है कितनी अच्छी ये बनी है बेस, इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए मैंने एक स्पून लिया है, इसमें भर के मैं अपने हाथ पे रखूँगी। अगर ये टूट जाता है माने इसमें और बटर की ज़रूरत है, और अगर नहीं टूटता है तो इसका मतलब हमारा बेस बन चुका है। मेरा बिल्कुल नहीं टूटा, इसलिए मैं गेस कर रही हूँ कि मेरा बेस बन चुका है। अगर आपका टूटता है तो आप थोड़ा सा और मेल्टेड बटर इसमें अगर डाल देंगे तो वो बन जाएगा। ये मेरा मोल्ड जो है 2 पीस वाला मोल्ड लेना पड़ेगा, और नीचे का जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस। थोड़ा सा अगर कर्व है आपके पास तो उसको उल्टा करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने बटर पेपर काट के रखा है, वो मैं नीचे रख रही हूँ, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी हल्का सा बटर, चारों तरफ भी लगा देंगे, साइड वॉल पे भी हम बटर लगा देंगे। जस्ट फॉर ग्रीसिंग। अब ये जो बिस्किट क्रस्ट है वो हमने इसमें मिक्स कर डाल दिया। अब इसको बेस को सेट करना पड़ेगा, ये हाथ से या स्पैचुला से होता नहीं है। इसके लिए कोई बॉटल, छोटी सी जैम की जैसी बॉटल, कॉफ़ी की बॉटल, तो ये साफ बॉटल लेके उसको उससे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इवनली सेट हो जाएगा, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये केक अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं इट इज़ हाफ केजी का आपको आएगा 1000 और 1200 के करीब, और घर में खर्चा बैठता है मैक्सिमम 100 और 150। ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हम फ्रिज में डाल देंगे आधे घंटे के लिए।
दूध हमारा गर्म हो गया, बिल्कुल उबलने से पहले की स्थिति में जब आ जाए दूध, तो इसमें हम मिलाएंगे बटर मिल्क, जिसको बोलते हैं मट्ठा। बटर मिल्क हम इसमें 250 ml बटर मिल्क मिक्स करेंगे। इसमें हम लेमन नहीं डालेंगे, विनेगर नहीं डालेंगे। सपोज़ 250 ml अगर मट्ठा से भी अगर दूध आपका नहीं फटता है तो आप थोड़ा और मट्ठा इसमें मिलाएंगे, लेकिन विनेगर या लेमन नहीं डालेंगे, क्योंकि हम पनीर नहीं चीज़ बना रहे हैं। इसको धीरे धीरे गर्म दूध पे हमने मिक्स कर दिया और मेरा ये बन गया दूध, जो है अलग हो गया दूध और माने क्रीम और पानी ऑलमोस्ट अलग हो गया। थोड़ा हिलाते हिलाते, गैस को सिम करके हिलाते हिलाते ये पूरा अलग हो जाता है। अब जो इसमें एक छन्नी में साफ कपड़ा रख के हम पूरा उसमें निकाल लेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा ऐसी घरेलू इंडियन टाइप से डिशेस को देखने के लिए इसको मैं ठंडे पानी से धो रही हूँ अभी। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये हमारा पनीर नहीं, ये हमारा चीज़ क्रीम बना है, क्रीम चीज़ जिसको बोलते हैं। जो चीज़ केक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। वैसे मार्केट में भी मिल जाता है क्रीम चीज़, लेकिन जब घर में इतना सस्ते में और इतना अच्छी तरह बन जाता है तो मार्केट का क्यों ले। और इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं निचोड़ेंगे, क्योंकि इसकी मॉइस्चर को हमें रखनी है। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद इसको हम सीधा ग्राइंडर पे, जो हमारा ब्लेंडर है उसमें डालेंगे। कितना अच्छा बना, बहुत सॉफ्ट, बहुत यमी। इसमें हम अगेन 20 ग्राम्स के करीब बटर डाल देंगे। मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ब्लेंड होना है। डाल दिया मैंने। साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो कि सभी केक में पड़ता है फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। और साथ में ही ये एक चम्मच मैंने डाला कॉर्नफ्लावर। एक बार ब्लेंड करके फिर मिक्स करके दोबारा ब्लेंड करेंगे हम, जिससे कि ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी हमारा बन चुका है और ये हम इसको अगेन मिक्सिंग बोल में खाली करते हैं। अगर हाथ की ज़रूरत है तो आप हाथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक है, तो हो सकता है कि स्पून से निकालने में पूरा ना निकले। पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितना हो पाएगा हम चम्मच से या हाथ से इसको निकालेंगे। फिर हम इसमें ग्रैन्यूल शुगर माने एक छोटा कप चीनी, जिसको हम मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंड पाउडर कर लेंगे, उसको मिक्स करेंगे। क्योंकि इसको मीठा करने के लिए अभी तक तो हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं था, तो अब ये ग्रैन्यूल शुगर से ये मीठा होगा, बनेगा। अगर इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा ये टाइट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच के साथ दूध डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ठीक है इसलिए मैं दूध नहीं डाल रही हूँ। अब इसको बीटर से थोड़ा सा बीट करने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए। साथ ही ये मेरा होममेड थोड़ा सा क्रीम है, माने दूध की मलाई है, थोड़ा सा दूध है। आप व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, व्हिप्ड क्रीम का पैकेट आता है अमूल का, बहुत अच्छा होता है।
दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा बीट कर लिया। अब ये बेस हमारा तैयार है, ठंडा भी हो चुका है और इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ से ऐसे हिला लेंगे जिसमें से कि अगर नीचे कोई हवा है तो वो निकल जाएगी, बबल्स है तो वो ठीक हो जाएगा करके। अब ये हमारा तैयार है सबको, जिसको कि हम ओवरनाइट नॉर्मल फ्रिज में इसको रख देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको आपका चीज़ केक तैयार मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विजिन क्लब बाय सुलेखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।